वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, कल वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है, जिसका ऑर्डर क्या हो, वन, या जो कंसंट्रेशन की वन पावर पे डिपेंड करती हो। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दैट इन विच, जिसमें क्या होगा, रेट डिपेंड्स अपॉन वन कंसंट्रेशन टर्म। रेट डिपेंड करता हो कंसंट्रेशन की एक टर्म पे, यानी एक पावर पे। तो एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर की। लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ए हमें क्या दे रहा है भाई, प्रोडक्ट दे रहा है। ए हमें क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। हम क्या करते हैं, ए मोल लेते हैं रिएक्टेंट के। व्हेन टाइम जीरो, जब टाइम क्या था, जीरो, तो ए मोल पर लीटर से स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा, इनिशियली जीरो, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था। रिएक्शन की शुरू की बात है, हमने कंसंट्रेशन क्या ली, ए, ए क्या अपना रिएक्टेंट है कोई भी, इसकी कंसंट्रेशन। अगर आप कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, आप रिएक्टेंट लिख लो एक ही जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक रिएक्शन कंसिडर की फर्स्ट ऑर्डर की, आप स्टार्ट कर रहे हैं ए मोल पर लीटर से। जब टाइम हुआ, When time is equal to t, t कोई भी टाइम है भाई, मान लिया x बन गया भाई प्रोडक्ट, x मोल पर लीटर, तो इसके कितने रह जाएंगे, a माइनस x मोल पर लीटर। समझ में आए, ये बात समझने की है भाई। यहाँ पे एक फास्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या है, फास्ट ऑर्डर की रिएक्शन वो होती है जिसमें रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन की वन पावर पे, वन टर्म पे, ठीक है। तो आपने एक रिएक्शन कंसीडर की फर्स्ट ऑर्डर की, इसमें क्या लिया आपने, जब टाइम जीरो था, यानी इनिशियली कह सकते हैं आप, रिएक्शन जब क्या हुई है, शुरू हुई है, तो उस समय क्या था, हमने रिएक्टेंट के मोल लिए ए मोल पर लीटर, प्रोडक्ट बना नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, जीरो। जब कुछ समय बाद, When time is equal to t, t कोई भी टाइम हो सकता है, तो क्या हुआ, मान लिया x मोल प्रोडक्ट के बन चुके हैं, उतने ही मोल रिएक्टेंट के घट जाएंगे। आप इसको लिख भी सकते हैं भाई, क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए मोल ऑफ रिएक्टेंट, या डायरेक्ट ऐसे भी आप कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है भाई, इसको ऐसे याद रखें, एक आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट अस स्टार्ट विद द ए मोल पर लीटर ऑफ द रिएक्टेंट, लेट आफ्टर टाइम टी एक्स मोल पर लीटर ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म, ठीक है, देन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कितने रहेंगे टाइम टी पे, एक्स प्रोडक्ट में बदल गए, टोटल कितने थे ए, कितने रहे ए के, ए माइनस एक्स मोल पर लीटर। एक्स क्या है भाई, एक्स मोल डिसोसिएट हो गए हैं जो आफ्टर टाइम टी, ये ऐसे याद रख लो, या मैं लिख भी देता हूं, कंसीडर ए मोल, कितने मोल कंसीडर किया आपने, ए मोल्स, ए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, लेट आफ्टर टाइम टी, टाइम टी के बाद, लेट आफ्टर टाइम टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितनी मान लिए x, देन
number of moles of reactant left क्या होंगे a minus x। अब रेट क्या होगा भाई, एक तो डायरेक्ट रेट निकालते हैं, सो रेट इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वेशन फर्स्ट। अब कहेंगे इसमें हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया भाई, प्रोडक्ट का है, पॉजिटिव लेंगे, प्रोडक्ट के मोल्स ले रहे हैं जितने बने हैं अकॉर्डिंग टू रेट ला के अकॉर्डिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम डी वन पावर रहती है भाई उसकी, इतनी कंसंट्रेशन के क्या होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेट किसके इक्वल आएगा जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, के ए माइनस एक्स इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक समझ में आया होगा, एक तो रेट हुआ भाई डायरेक्ट इंस्टेंटेनियस रेट डी एक्स अपॉन डी टी, दूसरा हुआ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी पे निकाल रहे हैं भाई ये कितना ए माइनस एक्स। दोनों इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, के भी है भाई यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स, ये इक्वेशन बनी। अभी भाई हमें रेट निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है, ओवरऑल क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन करेंगे जैसे हमने लास्ट में किया था भाई रिलेशन निकालने के बाद, लेकिन यहाँ पे रूल्स कुछ चेंज हो गए इंटीग्रेशन के। ये इक्वेशन मान ली हमने थर्ड, इंटीग्रेशन नहीं होगा भाई, पहले थोड़ी और सिंपलीफाई करेंगे इसको, क्योंकि ये भी x की टर्म है, ये भी x के टर्म है, इनको एक तरफ लेके आएंगे आप, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि a माइनस एक्स डी एक्स एक्स ये दोनों एक ही टर्म है भाई, डी एक्स तो a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन तभी होगा ये जब इसके साथ क्या होगा डी एक्स होगा, डी टी अपना उधर चला गया। तो अब इस इक्वेशन के दोनों तरफ क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स करिए भाई इंटीग्रेशन, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया भाई डी टी। अब एक रूल है भाई इंटीग्रेशन का, क्या 1 by x into dx का इंटीग्रेशन क्या होता है log of x, लेकिन केमिस्ट्री में क्या आएगा ln x, log x में बाद में कन्वर्ट करेंगे हम, log 10 में नहीं आता भाई, log 10 में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ केमिस्ट्री में कभी भी log नहीं लिया जाता, ठीक है ln इसको log 10 में बदलते हैं, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका नास्ट इक्वेशन में, ठीक है क्या बनेगा ये ln of a minus x इंटू इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा डी ऑफ ए माइनस एक्स। अगर मैं डिटेल से करूँ मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ भाई, इधर आएगा के टी प्लस सी, क्योंकि डी टी का क्या आएगा टी, अब कहेंगे डी एक्स का एक्स आना चाहिए भाई, नीचे भी तो इसी की टर्म है ये, देखो भाई 1 by x होना 1 by x into dx हो, उसका क्या होता है ln of x, ये इंटीग्रेशन का रूल है। तो अब dx by a minus x है क्या आएगा ln of a minus x, नीचे जो टर्म उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन d a minus x, a minus x minus x का डिफरेंशिएशन क्या होता है minus 1 x का 1, डिफरेंशिएशन एक अलग फैक्टर है d, अगर x स्क्वायर का लिखते हैं आप 2x होता है d, x का 1 का लेते हैं 1 होता है भाई, ठीक है तो क्या आएगा भाई इसका माइनस वन, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी इक्वेशन थर्ड, इसको लेंगे भैया आप इसको भी ले सकते हैं, इसको फोर्थ लिख लेना आपने। अब क्या करेंगे व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम था जीरो तो भाई एक्स की वैल्यू कितनी थी
जीरो एक्स तो बना ही नहीं था, मैंने लिखवा रखा था भाई वो कंडीशन, अभी डिस्कस किया था कि इनिशियली क्या था, ए मोल लिए थे रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट कितना था जीरो, एक्स तो बना ही नहीं था, डिसोसिएशन तो हुए ही नहीं थे भाई उसमें, जब समय जीरो था एक्स कितना था जीरो, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड में आप वैल्यू रखेंगे इसकी, क्या आएगा माइनस ln ऑफ ln a माइनस जीरो के इंटू जीरो प्लस c, कॉन्स्टेंट है ये इंटीग्रेशन का, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं भाई हम, c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू आएगी माइनस ln ऑफ a इक्वेशन फोर्थ, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन फोर इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखेंगे आप, रखिए भाई क्या आएगा माइनस एल एन ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन ऑफ ए, इधर लेंगे के टी ये होगा एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ ए माइनस एक्स, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाय एन इज इक्वल टू के टी, यहाँ तक समझ में आया होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या बनेगा, लॉग एम बाय एन, आप एल एन को क्या करेंगे लॉग में कन्वर्ट करेंगे भाई, क्या आएगा 2.303 लॉग ऑफ ए बाय ए माइनस एक्स, ये आएगा भाई आपका जब एल एन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे इज इक्वल टू के टी, ये एक्सप्रेशन आया भाई अपना। अब के की वैल्यू क्या आई, के की वैल्यू आएगी आपकी 2.303 बाय टी, ये टी भाई इधर आके डिवाइड में आ गया इसके, लॉग ऑफ ए बाय ए माइनस एक्स, ये इक्वेशन थी, ये आई अपनी जो अपना रेट कांस्टेंट है उसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू, जबकि उस केस में क्या आया था अपना भाई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में ए नोट माइनस ए बाय टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए बाय टी, याद होगा, या क्या किया था हमने k इज इक्वल टू वन बाय टी या t इज इक्वल टू वन बाय k ए नोट माइनस ए ब्रैकेट में लिया था, तो ये इक्वेशन आई अपनी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू। अब आगे निकालते हैं हाफ लाइफ टाइम भाई, आधा समय क्या होता है हाफ लाइफ टाइम, जिसमें आधा रिएक्टेंट क्या कर गया हो भाई रिएक्ट कर चुका हो, यहाँ पे भी हम ग्राफ देखेंगे, हाफ लाइफ टाइम क्या है वो समय है जिसमें आधा रिएक्टेंट क्या कर चुका है रिएक्ट कर चुका है, क्या आया था भाई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए ए नोट बाय टू के, आप चेक कर सकते हैं आपने लिखा होगा क्या आता है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम ए नोट बाय टू के, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था और मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ भाई न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम टी हाफ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या होता है ये इट इज द टाइम इन विच जिसमें हाफ द सबस्टांस हैज रिएक्टेड बाय न्यूमेरिकल, इसके बेस पे एक नंबर का आता है हर साल आता है भाई, वो क्या करेगा आपको या तो हाफ लाइफ टाइम दे देगा रेट कांस्टेंट पूछ लेगा या रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा हाफ लाइफ टाइम पूछ लेगा, तो व्हेन टी या ये कह सकते हैं हाफ लाइफ आधा सब्सटेंस रिएक्ट कर गया एक्स की वैल्यू क्या होगी ए बाय टू, क्योंकि एक्स क्या है जो डिकम्पोज हो रहा था प्रोडक्ट में बन रहा था, कितना बदल रहा है प्रोडक्ट में हाफ लाइफ टाइम है तो हाफ बदल रहा है, एक्स की वैल्यू क्या होगी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका हाफ, कितनी थी इनिशियल कंसंट्रेशन ए, क्या होगा भाई एक्स की वैल्यू ए बाय टू, देन टी किसके इक्वल होगा टी हाफ के, ये इक्वेशन थी अपनी फोर्थ, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन फोर्थ,
ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे टी को, मैं इधर ले जाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। टी क्या, टी की जगह क्या आएगा, टी हाँ इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ ए बाय ए माइनस ए बाय टू, क्या बनेगा ये टी हाफ 2.303 बाय के लॉग ऑफ ए बाय टू, ये बनेगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग ऑफ 2a बाय ए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, लॉग 2 की वैल्यू पुट करेंगे, लॉग 2 आया ना 0.301, ये वैल्यू होती है टी हाफ 2.303 बाय के इंटू में 0.301, ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.301। तो यहां से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे भाई आपको मिलेगा 0.693 बाय के, ये एक ये फॉर्मूला भाई क्या करेगा, मैं आपको बता रहा था दो नंबर का या एक नंबर का न्यूमेरिकल आता है वो आपको क्या करेगा, ये बोलेगा भाई द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है, वैल्यू दे देगा उसकी, कैलकुलेट द हाफ लाइफ टाइम। क्या करना है आपने, सिंपली के की वैल्यू उसमें पुट करनी है, के की वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे आपके पास हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा। अब करेंगे हम इसके बेस के ग्राफ, ग्राफ आते हैं जो, यदि हम क्या करते हैं, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज ए नॉट एंड मोल में नहीं लेते हैं, मान लो हम भाई फाइनल कंसंट्रेशन इज ए, अगर हम क्या करते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेते हैं ए नॉट और फाइनल कंसंट्रेशन ले लेते हैं ए, ठीक है, तो क्या होगा भाई इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी ए नॉट और ए माइनस एक्स किसकी इक्वल आएगा, फाइनल कंसंट्रेशन ए, देन जो अपनी इक्वेशन थी क्या थी भाई, वो के इज इक्वल टू 2.303 बाय के टाइम ले रहे हैं हम के लॉग ऑफ ए बाय ए माइनस एक्स, ये इक्वेशन थी ना अपनी टाइम के लिए, तो क्या आएगा t इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग ऑफ ए बाय ए नॉट बाय ए। अब इसको मैं दोबारा से ln में कन्वर्ट करूंगा, ln ऑफ a नॉट बाय a किसके इक्वल आता है 2.303 log of a नॉट बाय a, यानी ln में कन्वर्ट हो जाएगा t kt इज इक्वल टू ln ऑफ a नॉट बाय a। क्या करता हूँ अब ln को इधर लेके आऊंगा, ये बनेगा e रेस टू पावर kt इज इक्वल टू a नॉट बाय a, a नॉट बाय a, a नॉट किसके इक्वल आएगा, a नॉट इज इक्वल टू a e रेस टू पावर kt भाई, ये ऑप्शनल है आप इसको करते हैं क्या नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है भाई, देखो CBSE के लिए खासकर इम्पोर्टेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन की टर्म में, ठीक है। ये एक तो ये अपनी इक्वेशन आई थी, अगर उसने डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन दिया तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ए इनिशियल कंसंट्रेशन थी आपकी ए, उसकी जगह आपने क्या रखा ए नॉट, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी थी ए माइनस एक्स, उसकी जगह क्या रखा ए रखा आपने। अभी हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऑफ लॉग ए वर्सेस टी, लॉग ए वर्सेस टी, ग्राफ ऑफ लॉग ए वर्सेस टी टाइम अपना लॉग ए, ठीक है। तो अपना क्या एक्सप्रेशन आया था भाई, टी इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए, यही अपना एक्सप्रेशन आया था भाई, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ए फाइनल कंसंट्रेशन, टी इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग एम बाय एन, log m माइनस log n, ब्रैकेट में रखना है भाई, ठीक है। ये क्या बनेगा kt और इधर क्या आएगा 2.303 डिवाइड में ले लेता हूँ 303 इज इक्वल टू log a नॉट माइनस log a,
हमें किसका ग्राफ निकालना है, लॉग ए वर्सेस टी, लॉग ए पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग ए इधर ले आया मैं, ये इधर ले आया प्लस को गया, ये उधर लेके जाऊंगा माइनस के टी बाय 2.303 प्लस लॉग ऑफ ए नॉट, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y एक्सिस के लॉन्ग कौन आया भाई, y कंपेयर कीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस y एक्सिस के लॉन्ग लॉग ए, x एक्सिस के लॉन्ग t, टाइम के वर्सेस है, ठीक है, इंटरसेप्ट क्या हुआ लॉग ए नोट, और स्लोप क्या है, नेगेटिव है ना, स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ किस ऑर्डर में आता है भाई, कल भी बताया था मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर स्लोप पॉजिटिव होता ग्राफ किस ऑर्डर में आता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक तरफ ले वाई एक्सिस के अलोंग क्या लेना है लॉग ए, लॉग ए की वैल्यू आ रही है वाई एक्सिस के अलोंग, और एक्स एक्सिस के अलोंग किसकी वैल्यू आ रही है टी की, तो क्या आएगा ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्यों आया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एज स्लोप इज नेगेटिव माइनस के बाय 2.303 ये है वैल्यू, और इंटरसेप्ट कितना आएगा, सी की वैल्यू कितनी आएगी लॉग ए नॉट, ये वैल्यू आएगी अपनी इंटरसेप्ट की, तो ये ग्राफ आपके समझ में आया होगा। उसके बाद है ग्राफ ऑफ लॉग ए नॉट बाय ए वर्सेस टी, ग्राफ ऑफ लॉग ए नॉट बाय ए वर्सेस टी, उसके बाद है ग्राफ ऑफ लॉग ए नॉट बाय ए वर्सेस टी, तो आपने क्या पढ़ा था भाई, टी किसके इक्वल है 2.303 बाय के लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए, लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए आपने ग्राफ निकालना है, लॉग ए नॉट बाय ए वर्सेस टी, तो आप क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे के बाय 2.303 इनटू में टी इज इक्वल टू लॉग ए नॉट बाय ए, तो यहां से क्या पता चला log a नॉट बाय a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है t, t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ क्या आता है, आप एक तरफ किसी भी तरफ एक क्वांटिटी ले लो a नॉट बाय a, इधर ले लो t, मैंने बताया था भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी इसकी, जितनी इसकी बढ़ेगी उतनी इसकी बढ़ेगी, जितनी इसकी बढ़ेगी उतनी इसकी बढ़ेगी, जब आप इनको मिलाओगे ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। तो इसी के साथ जो आज का लेक्चर है हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये कंप्लीट होता है भाई, ग्राफ बड़े ध्यान से करने हैं, आपने क्या क्या फॉर्मूले निकाले जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है उसके लिए, और जो आपने जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है भाई, देखो भाई दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आपने क्या निकाला, T इज इक्वल टू वन बाय के ए नॉट माइनस ए, एक तो ये है, और टी हाफ क्या था उसका ए नॉट बाय टू के, याद हो जाते हैं भाई कुछ समय के बाद ये, अगर आप कोशिश करोगे तभी, जबकि ये तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए था टाइम, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए टाइम क्या था 0.303 बाय के लॉग ऑफ ए बाय ए माइनस एक्स ये था, और टी हाफ क्या था, टी हाफ था अपना 0.693 बाय के, ये आपका टी हाफ था, तो इनके बेस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, जैसे ही अपनी ये यूनिट पूरी होगी मैं हर एक न्यूमेरिकल जो इंटेक्स्ट है भाई, किसी बच्चे को अगर जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्यूशन जो मैंने सोल्व करके बनाए हुए वो सेंड कर दूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।